कलर से, ठीक है, आपको तो पॉसिबल नहीं कि वाटर कलर इसमें यूज़ करना, तो कैसे करना है, ठीक है, बट आप लोग आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली जो कि वाइट क्रेयॉन्स रहते हैं, वाइट कलर पेंसिल रहती है, उससे आप लोग पेज नंबर 13 पे एक वार्ली आर्ट नाम का एक पेज दिया है आपको, ठीक है, उस पेज में आप लोग जैसे कि एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस दिया है, ठीक है, उस स्पेस में आपको कलर फिल करना है, ठीक है, आपको कुछ ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको ड्राइंग दी है, उतना स्पेस आपको दिया है, आपको जस्ट उसमें कलर फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट, आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कलर करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट आप लोग वैसे सेम वैसा ही बाकी ड्राइंग को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको पोस्टर कलर या तो फिर वाटर कलर यूज़ करना है, ठीक है, बट मेरे पास है तो मैं पोस्टर कलर से इसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सो आप लोग पेंसिल, वाइट कलर की पेंसिल जो है उससे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट मैं एक ह्यूमन बॉडी, इसमें ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट करके यहाँ पे बताऊंगा। सो पेज नंबर 13 आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसमें जस्ट आपको यदि आप लोग पोस्टर कलर या तो फिर वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं वाइट, ठीक है, सो एक साफ़ सुथरा अच्छे से आपके पास क्लॉथ चाहिए, पॉइंटेड ब्रश चाहिए, ठीक है, और ब्रश अच्छे से आपका मतलब साफ सुथरा चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, कोई भी कलर का जो ब्रश है उसमें आप लोग यूज़ करोगे, तो वैसा किया तो क्या होगा कि आपका जो वाइट कलर का जो सरफेस है वो अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है, उसमें बाकी कलर के टचअप आपको दिखेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि एक सिंपली जस्ट आउटलाइन के अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कलर करते हैं, ठीक है, आउटलाइन के बाहर वाला पार्ट आपको कलर नहीं करना है। ठीक है, आउटलाइन के बाहर वाला पार्ट आपको कलर नहीं करना है, आउटलाइन के मतलब जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन दी है उस लाइन के अंदर ही आपको कलर करना है, ठीक है, इसमें कोई कलर मिक्स नहीं करनी है, जस्ट आपको वाइट कलर यूज़ करके ही इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप लोग वाटर कलर या तो फिर पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो ब्रश है वो अच्छे से पॉइंटेड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी ड्राइंग में कलर करके बताऊंगा, तो बाकी भी जैसे कि 4 क्लास है, 6 है आज का जो क्लास है, तो उनके लिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इसीलिए मैं पूरी ड्राइंग न करते हुए यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन फिगर वाला जो पार्ट है उसे ही मैं कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है, वैसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आउटर फॉर्म है उसका जो आउटलाइन है उसके अंदर वाला पार्ट आपको कलर करना रहता है, ठीक है, और आपको हर एक ड्राइंग कंप्लीट करनी है, ठीक है, हर एक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं आपको, तो जिस दिन आपने मतलब यहाँ पे जो पार्ट पढ़ाया है, ठीक है, जो एक्टिविटी पढ़ाई है उसी टाइम उसे कंप्लीट करो, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर लोड नहीं आता है, नहीं तो जब बहुत सारी एक्टिविटी या तो फिर बहुत सारी ड्राइंग्स होती है
आपका जो वर्क रहता है इनकम्प्लीट रहता है, फिर वो और इनकम्प्लीट होते होते लास्ट तक कंप्लीट ही नहीं होता है जल्दी, तो बाद में तकलीफ आपको ही होती है। इसीलिए जिस दिन को वर्क है उसी दिन से कंप्लीट करो। और कुछ कुछ स्टूडेंट इसमें वाइटनर यूज़ करेंगे, तो इसमें वाइटनर यूज़ नहीं करना, ठीक है। वाइट ऑयल पेस्टल यूज़ करो या तो फिर वाइट पेंसिल कलर यूज़ करो। जैसे कि आपको साइड का जो स्पेस दिया है, ठीक है, उसमें आपको कलर करके दिखाया है, तो बस हमें वैसे ही कलर करना है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक ह्यूमन बॉडी वाला पार्ट है जो कि कोकोनट ट्री के पास है, ठीक है, हम लोग उसे भी कंप्लीट करेंगे। और वार्ली पेंटिंग ऐसी डिटेलिंग में पेंटिंग नहीं रहती है, या तो फिर डिटेलिंग में ड्राइंग नहीं रहती है, ठीक है, जस्ट उसका एक पर्टिकुलर शेप रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप है, वैसे ही शेप के साथ में वार्ली पेंटिंग रहती है, ठीक है। जनरली पेंटिंग ब्राउन कलर का बेस उसके ऊपर वाइट कलर से बनाते हैं। देन कोकोनट ट्री में भी वैसे ही करना है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमने यहाँ पे कलर फिल किए, ठीक है। सो यहाँ पे दो ह्यूमन बॉडी वाले पार्ट जो थे वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे कॉक दिया है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा ग्रास दिया है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इसे वाइट कलर से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो एक्चुअली ये वार्ली आर्ट जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, ठीक है। आज जस्ट उसका जो डेमो है वाटर कलर के साथ में मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। आपको भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। आपके पास वाटर कलर है तो वाटर कलर के साथ में इसे कम्प्लीट करो, या तो फिर इजी वे मैंने आपको बोला है कि आप लोग वाइट कलर की पेंसिल कलर से इसे कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
बट आप लोग वाइटनर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइटनर अच्छे से शार्पली नहीं चलता है, ओके। और वाइटनर से क्या होता है कि जो बुक के जो पेज है वो भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फोर सर तो कैमरा टेबल पर होता था। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज पर शेड्यूल आज का जो हमारा क्लास है क्लास फोर का है, जैसे कि हम लोग आर टी चैम बुक में से यहाँ पे ड्राइंग एक्टिविटी आर टी चैम बुक में से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। आज का जो हमारी एक्टिविटी है वो सैंड पेपर लीव, ठीक है, आप लोगों ने लीफ देखे होंगे, ओके। सो लीफ का जो पर्टिकुलर शेप रहता है वो सबको आता ही होगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, पेज नंबर 12 पे आप लोग देख सकते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के दो या तीन लीफ आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में सेम शेप में यहाँ पे आपको सैंड पेपर दिया है, ठीक है, आपके बुक में पेज नंबर 12 में इस सैंड पेपर को आपको निकालना है, ठीक है। देन इसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है, एक लीफ का जो शेप है उसे आपको ड्रॉ करना है। देन उसके बाद में आपको क्रेयॉन से उसे कलर करना है। देन आफ्टर कलरिंग उसे ब्लैक कलर से आउटलाइन करनी है क्रेयॉन से ही, ठीक है। देन ये पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद में आपको उसे कट करना है सीजर से, ठीक है। देन कट करने के बाद में एक अच्छे सा उसके बैकग्राउंड के लिए या तो फिर उसके बेस के लिए एक अच्छा सा आपको कलरफुल पेपर लेना है या तो फिर क्राफ्ट पेपर लेना है, वाट एवर कलरफुल जो भी पेपर आपके पास है वो पेपर आपको लेना है। देन उसके ऊपर उसके पेस्ट करना है, ठीक है। आज की जो एक्टिविटी हमारी सैंड पेपर लीव्स की, ठीक है, सैंड पेपर इजंट जस्ट फॉर द वुड वर्किंग, इट्स अ फन ड्राइंग सरफेस टू, ठीक है। जैसे कि आपको एक वुड मतलब ड्राइंग में जैसे कि वुड फील रहता है, ठीक है, वुड का जो जैसा शेप रहता है लीफ रहता है, ठीक है, वैसे ही आपको एक ड्राइंग इस सैंड पेपर के ऊपर बनानी है, ठीक है। देन इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्रेयॉन चाहिए, सीजर चाहिए, सैंड पेपर चाहिए और लीव चाहिए, ठीक है। एक दो लीफ आप लोग आपके सामने रख के उसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पे कलेक्ट सम लीव्स एंड ऑब्जर्व देयर शेप, ओके। आपको लीफ लेना है, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करना है, मतलब उसे अच्छे से देखना है उसका शेप कैसा है, पर्टिकुलर शेप मतलब आपको कौन से शेप में उसे ड्राइंग करनी है, ये सारा पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ड्रॉ लीफ ऑन शीट ऑफ सैंड पेपर विथ डार्क ब्लू और ब्लैक क्रेयॉन, ठीक है, आपको तो डायरेक्टली यहाँ पे क्रेयॉन से ड्राइंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि सैंड पेपर है, अच्छे से ड्राइंग आने के लिए आपको पेंसिल से या तो फिर अभी तक आप लोगों ने पेंसिल से ड्राइंग की होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली पेंसिल से आप लोग ड्राइंग करते हो, यहाँ पे आपको क्रेयॉन से ड्राइंग करनी है, ठीक है। बट पेंसिल यूज़ करो या तो फिर क्रेयॉन यूज़ करो, बट
जस्ट मीडियम चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी आप लोग ड्राइंग करते हो तो वो प्रेस करके आपको ड्राइंग नहीं करनी है, एक जस्ट हल्के से फ्री हैंड ड्राइंग आपको यहाँ पे करनी है, ओके। देन थर्ड नंबर, डोंट फॉरगेट टू ऐड द वेनिश दिस लिटल लाइन इन द मिडल ऑफ लीफ, ओके। लीफ के अंदर एक मिडल लाइन रहती है, उसे भी आपको बनानी है, ठीक है, उसे आपको भूलना नहीं, ठीक है। ये दो तीन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। जैसे कि एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये पेज आपको यहाँ से रिमूव करना है, ओके। देन रिमूव करने के बाद में इसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेज मेरा, मेरे बुक का थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। आपके पास अच्छा सा हो सकता है, मतलब होंगे ही घर पे, ओके। बुक में जो भी पेज आए उसमें आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्रेयॉन से ड्राइंग करनी है, ठीक है, तो इसमें ब्लैक कलर के क्रेयॉन या तो फिर ब्राउन कलर के क्रेयॉन आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कलर होते जब, सो यहाँ पे ब्लैक कलर के क्रेयॉन्स या तो फिर ब्राउन कलर के क्रेयॉन्स यहाँ पे आपको यूज़ करने, देन इस सैंड पेपर पे आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको लीफ कलेक्ट करनी है, ठीक है। जनरली आपको उसका जो शेप है वो तो पता ही होगा, ठीक है, बट आप लोग उस लीफ को देख के डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं या तो आपके मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो बेटर ये होगा कि आप एक दो लीफ जो कि उसका जो शेप है वो अच्छे से ईजी होगा, वैसे लीफ आपको कलेक्ट करने, ठीक है, और एक दो लीफ यहाँ पे आपको ड्रॉ करने, ठीक है। ज़्यादा हार्ड ड्राइंग आपको नहीं बनानी है, जस्ट ईजी वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रेयॉन नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो सैंड पेपर है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल सा एक लीफ यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। देन एक डेमो के तौर पे आपको एक लीफ मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रेयॉन यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वाटर कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। आप लोग क्रेयॉन यूज़ करो क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो पेपर था वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, ठीक है, और उसके ऊपर जो सैंड रहती है छोटे छोटे, मतलब जो टेक्चर रहता है वो मेरे पेपर का गायब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोस्टर कलर के साथ में इसे कम्प्लीट करूँगा। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक जस्ट मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लीफ मिडल लाइन के साथ में यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। देन जो भी चाहिए मुझे, सैंड पेपर चाहिए, सैंड पेपर है, सीजर है, ठीक है, लीफ, तो ये देन सीजर, ये आपको इसका जो सरफेस है मतलब इसका जो आउटर है वो काटने के लिए आपको सीजर लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं, आप लोग पार्ट वाइज भी कलर कर सकते हो, ठीक है, या जो भी सिंगल कलर में इसे बना सकते हो, रेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, देन स्काई ब्लू, ब्लू, वाइट, ये सारे कलर आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्ट वाइज कलर करना है, ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली भी आप लोग कलर कर सकते हो।
आपको लीफ कलेक्ट करने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्टली लीफ रेडीमेड ला के वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर में मैं येलो कलर मर्ज करके से बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लीफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, देन आप लोग रियलिस्टिक बना सकते हैं या तो फिर उसमें और डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करके एक कंपोजिशन जैसे एक लीफ आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ये सारे कलर इसमें मर्ज करने हैं। आप लोगों ने लीफ देखे होंगे तो उसमें येलो वाला पार्ट भी उसमें रहता है। ठीक है, ये जस्ट एक पैचेस है, लेकिन बाद में मैं इसे आराम से मर्ज करूँगा। आप लोग क्रेयॉन्सी से बना सकते हो, ठीक है, बट वाटर कलर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो आप लोग। वाटर कलर से या तो पोस्टर कलर से थोड़ा सा परफेक्शन रहता है, ठीक है, कलरिंग में। देन आपको कलरिंग के जो शेड है वो अच्छे से समझ में आते हैं। कलर मिक्सिंग का जो एक टेक्निक है वो भी आपको आता है। इसलिए पोस्टर कलर या तो फिर वाटर कलर से आप लोग आराम से कलर मिक्स कर सकते हो। जस्ट एक रियलिस्टिक वाला जो पार्ट रहता है उसके जैसे ही मैंने यहाँ पे लीफ ड्रॉ किया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे आउटलाइन भी कर सकते हो बाद में। जस्ट एक डेकोरेशन का पार्ट है, ठीक है, इसे आराम से आप लोग बना के, मतलब दो तीन पीस में बना के इसे घर में फोटो फ्रेम के जैसे आप लोग इसे हैंग भी कर सकते हो। आपके लैपटॉप पे या तो फिर कंप्यूटर पे ये कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि येलो और ग्रीन कलर में यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो कलर थोड़े से लाइट या तो फिर डार्क दिख रहे हैं। तो उतना आप लोग समझ लो। एक मिडल वाली लाइन रहती है इसके अंदर से, जब भी आप लोग कलरिंग करते हो तो आपके पास ब्रश को अच्छे से साफ करने के लिए क्लॉथ चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली ब्रश को साइड में इधर उधर साफ करने के लिए
तो उससे क्या होता है कि आपके जो वाल है वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए क्लॉथ से मतलब ब्रश ख़राब भी नहीं होता है और सॉफ्टली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सा लीफ मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, ठीक है। थोड़ा सा सूखने के बाद मैं इसमें व्हाइट कलर यूज़ करूँगा उसमें, ठीक है। देन जो मिडल वाली लाइन है वो वाइट से मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है। ओके, भक्ति कोले, ठीक है, डोंट हैव दिस कलर। ओके बेटा, ये कलर चाहिए ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है। आपको क्रेयॉन्स से इस एक्टिविटी को बनाना है, ठीक है। जस्ट मैंने ऐसे ही आपको कलर मिक्स कैसे होते हैं, ठीक है, और आप लोग वाटर कलर से भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने वाटर कलर आज यूज़ किए। ओके, बट आपको मैंने ये नहीं बोला कि सेम कलर से आप लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट करो, ठीक है। जस्ट आपको मैंने यहाँ पे कि सैंड पेपर पे आप लोग वाटर कलर से भी कंप्लीट कर सकते हो, इसके लिए मैंने बस एक डेमो के तौर पे आपको एक्टिविटी बना के दिखाई है, ठीक है। फिर बाद में आराम से इसे आउटलाइन भी करना है आपको, ठीक है। देन इसके जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है या तो फिर कट है, उससे अच्छे से सीजर से कट करने के बाद में इसे एक दूसरे कलरफुल पेपर पे पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि व्हाइट कलर भी इसमें मैं यूज़ करूँगा, जस्ट लिटिल बिट व्हाइट कलर में यहाँ पे यूज़ करूँगा। व्हाइट कलर हम लोग हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग में लाइट मिडल डार्क हाईलाइट और हाई डीप ये इतना पार्ट चाहिए रहता है, ठीक है। एक सिंपल सी यहाँ पे ड्राइंग विथ कलरिंग मैंने एक लीफ बना के दिखाया, ठीक है। सो आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जस्ट मैंने दो कलर यूज़ किए, ठीक है, एक है येलो और एक है ग्रीन, ठीक है। देन कलर मिक्स किए, ओके। सो थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो यूज़ किया, ठीक है। आप लोग मतलब आप जैसे कि आपने लिप देखे, ठीक है, जनरली ग्रीन कलर की लिप रहते हैं, बट लिप में शेड रहते हैं, ठीक है। येलो का एक शेड रहता है, लाइट ग्रीन का एक शेड रहता है, ठीक है, सैप ग्रीन का एक शेड रहता है, डीप ग्रीन का एक शेड रहता है, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे शेड रहते हैं, ठीक है। बट आप लोग पार्ट वाइज भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। देन इस सैंड पेपर से बाद में आपको इस स्लिप को रिमूव करना है,
देन एक अच्छे से पेपर पे इसे पेस्ट करना है, ठीक है। सो आज की एक्टिविटी जो थी हमारी सैंड पेपर लीव्स, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करके इसकी जो फोटो है, इसके फोटो आपके रेस्पेक्टिव जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको सेंड करना है, ठीक है, ताकि हम लोग इसे आराम से चेक करेंगे और आपको रिमार्क देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास है, क्लास सिक्स का है, ठीक है। जैसे कि हमारा लेसन नंबर टू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और इसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के शेडिंग के साथ में कुछ ड्राइंग और कुछ डेमो देखे, ठीक है। आज का जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है मग, ठीक है, विथ कलर पेंसिल स्टडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 18 पे आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर 18 पे यहाँ पे मग आपको दिया है, ठीक है। उस मग में आपको शेडिंग करनी है, ओके, विथ कलर पेंसिल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। तो ऐसे ज़रूर नहीं कि पर्टिकुलर ब्राउन कलर की पेंसिल आपको यूज़ करनी है, ठीक है। आप लोग कोई भी कलर की पेंसिल यूज़ करके उसके शेड आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन कलर की पेंसिल और डार्क ग्रीन कलर की पेंसिल यूज़ करूँगा, ठीक है। देन लास्ट में डीप दिखाने के लिए ब्लैक थोड़ा यूज़ करूँगा, ओके। सो आज की एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 18 पे आप लोग देख सकते हो कि पेज नंबर 18 पे आपको एक मग का जो आउटर फॉर्म है वो दिया है, ठीक है। आपको इसे अच्छे से रीड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है, पेंसिल से, और देन उसके बाद में इसे शेड करना है, ठीक है। ये जितनी भी ड्राइंग्स होती है फ्रेंड्स, इसे आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। जैसे कि साइड में आपको एक मग का ड्राइंग दिया है, ठीक है, उस मग के ड्राइंग को देख के आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन विथ शेडिंग, ठीक है। सबने तो मग देखा होगा और आप लोग मग को यूज़ भी करते होंगे, ठीक है, मिल्क पीने के लिए या तो फिर टी कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी, इस सारे इसके लिए हम लोग मग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी आप लोग ड्राइंग करते हो तो हरदम मैं कहते रहता हूँ कि पेंसिल को आपको प्रेशर के साथ में नहीं चलानी है, जस्ट लाइटली पेंसिल आपको चलानी रहती है, ठीक है।
तो लाइटली पेंसिल इसके लिए चलानी है क्योंकि जब भी हमारा गलत होता है तो हम लोग इरेज करते हैं तो उससे पेज हमारा डैमेज नहीं होता है, ठीक है, ब्लैक नहीं होता। जस्ट आपको इसका जो ऊपर का जो टॉप है वो मैं यहाँ पे शेड करके दिखाऊंगा, और ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क रहेंगी, इसे आपको कंप्लीट करके इसकी जो फोटो है वो तुम्हें ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी ड्राइंग मेरी जो उसका जो आउटर फॉर्म था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। लाइट ग्रीन के साथ में मैं उसका जो टॉप है वो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कोई भी कलर से आप लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूर नहीं कि यहाँ पे ब्राउन कलर दिया है तो आप लोग को भी ब्राउन करना है, ठीक है। या तो फिर सिंपल सा जो रेगुलर पेंसिल आप लोग यूज़ कर रहे हो वो पेंसिल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बारे में बोलता हूँ कि शेडिंग में हमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी रहती है और इजी कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लैंडिंग लाइन की जो टेक्निक है वो एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है। आपको कलर पेंसिल से नहीं करना है तो जस्ट जनरल जो पेंसिल रहती है आपके पास रेगुलर पेंसिल उससे भी आप लोग शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें स्टडी क्या करना है कि जो हमारे शेडिंग टोन है जैसे कि लाइट हो गया, मिडल हो गया, डार्क हो गया, ये सारे टोन की हमें अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग शेडिंग करते हैं, जैसे कि पेंसिल कलर से शेडिंग हो गई, रेगुलर पेंसिल से शेडिंग हो गई, कलरिंग ऑयल पेस्टल से शेडिंग हो गई। तो शेडिंग ये जो पार्ट है ये हमें अच्छे से आने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से शेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके जो ऊपर का जो टॉप था मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें अभी इसका जो लाइट है वो मिडल में, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम लोग मिडल टोन लेते हैं अब वहाँ पे हमारा लाइट टोन आ गया, ठीक है। तो उसका जो मिडल टोन जाएगा वो सेंटर से थोड़ा आउटसाइड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग जब भी शेडिंग करते हैं तो पर्टिकुलर जो लाइट रहता है वो एक कोने में लेते हैं ताकि मिडल में हमारा मिडल टोन आ जाएगा और लास्ट में हमारा डार्क टोन आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा वे डिफरेंट दिया है, ठीक है। इसके जो मग का जो राइट साइड वाला पार्ट है उसमें आपको मिडल और डार्क वाला पार्ट लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं ग्रीन कलर की पेंसिल यूज़ करूँगा, ठीक है। बट बहुत से मतलब जितने भी कलर आपके पास है, पोस्टर कलर है, ठीक है, ऑयल पेस्टल होंगे, पेंसिल कलर होंगे, किसके पास होंगे किसके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो
सिंपल सी पेंसिल के साथ में आप लोग आराम से शेडिंग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पेंसिल कलर नहीं लिए, रेगुलर पेंसिल ली, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रेगुलर पेंसिल सबके पास रहती है, ठीक है। तो ऐसे ज़रूर नहीं कि पेंसिल कलर कोई मतलब बोला है तो कोई पेंसिल कलर ही यूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपके पास कलर है, बट हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। हमें कलरिंग का सेंस आता है, ठीक है, जब भी हम लोग कलरिंग के साथ में शेडिंग करते हैं तो एक सेंस हमें हमारा मतलब बन जाता है, ठीक है। तो कलरिंग में हम लोग शेडिंग भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बट सबकी टेक्निक एक ही है कि आपको कलरिंग करनी है या तो फिर शेडिंग करनी है, तो शेडिंग के साथ में आपको कलरिंग भी करनी रहती है, ठीक है, तब शेडिंग टोन के साथ में आपको कलरिंग करनी है। और शेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जब तक आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं आता है तब तक आप लोग आराम से मतलब अच्छे से ड्राइंग नहीं बना सकते। ठीक है, ड्राइंग में मैं हरदम बोलता रहता हूँ कि आपको कि जस्ट आपको कॉपी करना रहता है, ठीक है, जस्ट साइड में थोड़ा सा मिडल गया और मिडल के थोड़ा सा पास में हमारा डार्क टोन रहेगा, ठीक है, और जो मग का जो मेन मिडल है उसमें रहेगा हमारा लाइट। बेसिक सी स्टडी जो रहता है शेडिंग का, जो स्टडी रहता है बेसिक वाला, बेसिक शेडिंग में आपको यहाँ पे मग बना के दिखाया, ठीक है, इस मग को आपको कंप्लीट करना है और इसकी जो फ़ोटो है आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं इसमें, जस्ट आपको देख के कॉपी करना है, ठीक है। आप लोग पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो या तो फिर रेगुलर जो पेंसिल आपकी है USB पेंसिल वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर आपके पास पेंसिल कलर है तो आराम से यूज़ करो, ठीक है। व्हाटएवर जो भी आपके पास मटेरियल घर पे अवेलेबल है उसके साथ में उसे कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था ये आपको आराम से समझ में आया होगा। सो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे लाइव स्टडी विथ कार, ठीक है। सो इससे कंप्लीट करके आपको इसके जो फोटो है उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही।